वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल रहस्य टीवी इंडिया को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस घंटे को भी क्लिक कर लें, जिससे कि आप हमारे वीडियोस देख सकें सबसे पहले। दोस्तों, आपने अपने शहर में बेसमेंट और सेलर्स तो जरूर देखे होंगे, जिनका इस्तेमाल ज्यादातर पार्किंग या गैराज के लिए किया जाता है। और ऐसा करना जरूरी भी है, क्योंकि बड़े शहरों में जगह कम होती है, इसलिए सड़क से 2 या 3 लेवल नीचे बेसमेंट्स बनाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में न जाने कितने ही अंडरग्राउंड शहर हैं, जो आज के बेसमेंट की तुलना में बहुत ही बड़े और शानदार हैं? तो आइए दोस्तों, आज जानते हैं दुनिया के 10 सबसे आकर्षक अंडरग्राउंड शहरों के बारे में और उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको हैरान कर देंगी। डेरिन कुयो, क्या आपने कभी इमेजिन की है एक ऐसी अंडरग्राउंड सिटी जिसमें 20,000 लोगों के रहने का इंतजाम, किचन, बेडरूम, बाथरूम, फूड स्टोरेज, तेल और वाइन्स की यूनिट्स, कुएं, औजार रखने के गोदाम, पालतू जानवरों के रहने की जगह और यहां तक कि मकबरे भी मौजूद हों? टर्की के बिल्कुल सेंटर में कैपाडोसिया नाम की एक जगह में ऐसे कई शहर हैं जो ज्वालामुखी चट्टानों को काट काट कर बनाए गए थे। ऐसा ही एक शहर है डेरिन कुयो, जो 18 लेवल्स नीचे तक बना है और कम से कम 20,000 लोगों के रहने की कैपेसिटी वाला बनाया गया था। 1963 में टर्की के एक व्यक्ति ने अपने घर के कमरे को बढ़ाने के लिए उसको खोदना चालू किया और खुदाई के कुछ समय बाद ही उसको जमीन के नीचे एक स्टोन वॉल मिली। उस स्टोन वॉल के नीचे कुछ खाली जगह थी। वो अपना काम आगे बढ़ाता रहा और कम से कम 3,000 स्क्वायर फीट नीचे तक खुदाई करने पर उसको एक मल्टी लेयर्ड अंडरग्राउंड सिटी मिली, जिसको अब हम डेरिन कुयो के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह शहर लगभग 1600 बीसी से 1200 बीसी के बीच में बनाया गया था। इस शहर में मिले बड़े पत्थर के दरवाजे, जो कि अंदर से भी घुमाए जा सकते हैं, इसी की ओर इशारा करते हैं कि इस शहर को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए बनाया गया था। दरवाजे में कई होल्स भी दिखाई दिए हैं, जिससे कि अंदर से तीर चलाकर घुसपैठियों को मारा जा सके। आम जनता के देखने के लिए डेरिन कुयो शहर सिर्फ 8 लेवल्स तक ही खोला गया। एडिनबरा वॉल्स, एडिनबरा वॉल्स, जिसको हम साउथ ब्रिज वॉल्ट भी कहते हैं, एक चेंबर की सीरीज है जो 1788 में साउथ ब्रिज स्कॉटलैंड के 19 आर्चेस में बनाई गई थी। लगभग 30 सालों तक इन वॉल्स को हाउस टेबल, ट्रेड्समैन की वर्कशॉप, कॉबलर्स और स्टोरेज स्पेस की तरह इस्तेमाल किया गया। फिर कुछ सालों बाद ये वॉल्स होमलेस लोगों के घर की तरह इस्तेमाल किए गए, जिसके बाद यहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज भी होने लगी। वॉल्स की कंडीशन बेकार होने लगी और इसकी वजह से वहां से बिजनेसेस हटा ली गई, लेकिन गरीब लोग अभी भी वहां रह रहे थे। 1985 में हुए एक्सकवेशन से मिले खिलौने, दवाई की बोतलें, बर्तन आदि इसी बात का संकेत देते हैं कि वहां कुछ लोग रह रहे थे। कुछ रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि वहां 1835 से 1875 तक लोग रहे हैं और फिर वहां पर कचरा इकट्ठा होने लगा और ये वॉल्स लोगों की पहुंच से परे हो गए। 1980 में स्कॉटिश रग्बी खिलाड़ी नोरी रोवन ने एक टनल की खोज की जो इन वॉल्स तक जाती थी और इस तरह एडिनबरा वॉल्स को हम आज जान पाए हैं। दीक्षा चैंग, चाइना का बीजिंग लगभग 21.5 मिलियन चीनी लोगों की आबादी का शहर है और इसी शहर के हजारों लोग इस अंडरग्राउंड सिटी दीक्षा चैंग में रहते हैं, जो जमीन से 3 स्टोरी नीचे तक बनी हुई है। अभी तक किसी भी ऑफिशियल रिपोर्ट में नहीं बताया गया है कि यह शहर कहां तक फैला है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि दीक्षा चैंग लगभग 20,000 एकड़ तक की जमीन को कवर करता है। यह शहर 1969 से 1979 के बीच बनाया गया, क्योंकि यह कोल्ड वॉर ईरा का समय था और चीन और रूस के बीच न्यूक्लियर अटैक होने की संभावना से इसको बॉम्ब शेल्टर के रूप में बनाया गया था। इसे अंडरग्राउंड ग्रेट वॉल भी कहा जाता है, क्योंकि चीन और रूस के बीच सीनो सोवियत कॉन्फ्लिक्ट के डर से इसको मिलिट्री डिफेंस की तरह भी इस्तेमाल किया गया। ये शहर सारी मेजर सरकारी और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स को पैसेज के जरिए कनेक्ट करता है और लोगों का कहना है कि इस शहर में जाने के लिए कम से कम 900 एंट्रेंसेस हैं। अब जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये पूरा शहर सिर्फ शवल्स की मदद से खोदा गया और सिर्फ बैम्बू बास्केट से वहां का मलबा ढोया गया। करीजे कैश, 2500 साल पहले बनाया गया ये शहर हरेरिया सिटी में रहने वाले लोगों ने बसाया था। ये शहर ईरान के किश आइलैंड में है। लगभग 3000 साल पुराना इतिहास रखने वाला ये शहर कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि कैंप टिना, आकिया, नकाता और किश। इस आइलैंड के 52 फीट नीचे टनल्स का जाल बिछा हुआ है जो 5 मील तक फैला हुआ है। पानी को जमा करना, उसको प्योरीफाई करना और फिर स्टोर करना ही इस स्ट्रक्चर को बनाने का मेन रीजन था। इसकी सीलिंग 8 मीटर ऊंची और ज्यादातर फॉसिलाइज्ड शेल्स और कोरल्स से ढकी हुई है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख जर्मनी में इसके फॉसिल्स को टेस्ट किए गए, जिससे पता चला कि ये फॉसिल्स 53 से लेकर 570 मिलियन साल पुराने हैं। लेकिन वाटर प्योरिफिकेशन की नई और बेहतर तकनीक आने की वजह से इस आइलैंड को लोगों ने काफी समय पहले ही छोड़ दिया था। कोबुर पेडी, सदर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित यह शहर 1915 में बसाया गया था।
कॉबर पेटी अपने जमीन के नीचे बने रेजिडेंस के लिए मशहूर है, जिनको डगआउट्स कहा जाता है, जो वहाँ के चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए बनाए गए थे। गर्मी के समय वहाँ का टेम्परेचर 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता, और इसके ऊपर वहाँ पर बारिश सिर्फ नाम मात्र की होती है, जिससे कि डस्ट स्टॉर्म का आना मामूली बात है। कॉबर पैडी को ओपल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा और अच्छी क्वालिटी का ओपल देखने को मिलता है। और अगर हम इसके नाम की बात करें तो ये कोपा पेटी से निकल कर आया है, जिसका मतलब होता है बॉयज वाटर होल। कनेरी वॉर्फ। कनेरी वॉर्फ लंदन के आइल ऑफ डॉग्स के कमर्शियल स्टेट में बना हुआ है। यह अंडरग्राउंड स्टेशन लगभग 1000 फीट लंबा और 333,681 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करता है। इसको एक हॉलो वेस्ट इंडिया डॉक में कट एंड कवर कंस्ट्रक्शन तकनीक की मदद से बनाया गया था। इस अंडरग्राउंड स्टेशन की 100 फीट ऊंची सीलिंग है और इसके दोनों किनारों पर डोम शेप्ड ग्लास बने हैं, जिससे कि बाहर की रोशनी आती हुई बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसमें बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों में जाने वाले एस्केलेटर्स भी बने हैं, जिसको देखकर ऐसा लगता है मानो वो आसमान को छूकर आ रहे हों। बुर्लिंगटन न्यूक्लियर बंकर। सरकारी अफसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया ये बंकर लंदन में है। दरअसल इस बंकर की जानकारी सरकार ने 40 सालों तक पब्लिक से छिपा कर रखी थी, और 2004 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहली बार इस अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बंकर के बारे में लोगों को बताया गया। 1950 के समय ब्रिटेन को जब अपने ऊपर न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडराता हुआ दिखा, तो सरकार ने फैसला किया एक ऐसी जगह बनाने का जहां सरकारी अफसर साथ ही रॉयल फैमिली सुरक्षित रहे और सरकार वॉर की तैयारी भी कर सके। लेकिन सरकार इसे बंकर कहना पसंद नहीं करती थी, और 1955 में सरकार ने इसे सेंट्रल गवर्नमेंट वॉर हेडक्वार्टर्स का नाम दिया। इस बंकर में वो सारी सुविधाएं मौजूद थीं जो 4000 सरकारी अफसरों को 90 दिन तक एक थर्मोन्यूक्लियर वॉर के समय सुरक्षित रख सकते थे, जैसे कि 100 फीट गहरी कंक्रीट की दीवारें, बेडरूम, बाथरूम, ऑफिस, तार वाले टेलीफोन, बेकरी, अस्पताल, और यहां तक कि बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो, जिससे कि वॉर के समय वो बाकी लोगों से कम्युनिकेट कर सकें। अंडरग्राउंड सिटी ऑफ हेलसिंकी। ये शहर सबटेरेनियन आर्ट का बेहतरीन नमूना है। इसको बनाने का मकसद 7.5 लाख लोगों को शेल्टर देना था, क्योंकि हेलसिंकी पर रशिया से हमला होने की संभावनाएं थी। हेलसिंकी दुनिया का एकमात्र ऐसा अंडरग्राउंड शहर है जिसको पूरे मास्टर प्लान के साथ बनाया गया। इसका कंस्ट्रक्शन 1980 के दशक में हुआ, और देखते ही देखते ये एक महान अंडरग्राउंड नेटवर्क में तब्दील हो गया। हेलसिंकी में 500 से भी ज्यादा अंडरग्राउंड फैसिलिटीज और 186 मील की टनल्स हैं, और इसका कंस्ट्रक्शन आज भी जारी है। हेलसिंकी ने लगभग 1 मिलियन स्क्वायर मीटर का अंडरग्राउंड एरिया कवर किया हुआ है, जिसमें टनल्स, म्यूजियम्स, चर्चेस, स्विमिंग हॉल्स, दुकानें और यहां तक कि कार्टिंग ट्रैक भी शामिल है। सिटी सेंटर के नीचे 40 मीटर गहरा रिजर्वोअर भी है। हेलसिंकी के फ्यूचर प्लान की बात करें तो हेलसिंकी को गल्फ ऑफ फिनलैंड के नीचे से 10 किलोमीटर की सुरंग बनाकर उसकी सिस्टर सिटी टालिन से जोड़ा जाएगा। सेटनिल डे लास बोडेगास। स्पेन का एक ऐसा शहर जहां लगभग 3000 लोग वास्तव में चट्टानों के नीचे रहते हैं। वहां की डेमोग्राफिक कंडीशंस की वजह से लोगों ने चट्टानों के नीचे रहना चुना। सेटनिल के लोगों ने वहां के नेचुरल केव्स में रहना बेहतर समझा, क्योंकि गर्मियों से बचने के लिए वे घर बनाने जैसे मुश्किल काम से बच जाते थे। इस शहर का नाम लैटिन वर्ड सेप्टम निहिल से बना है, जिसका मतलब होता है 7 times no, जो ये बताता है कि कैसे 7 बार कैथोलिक रूलर्स ने इस टेरिटरी को मूस से छीनने की कोशिश की, और बोडेगास का मतलब वेयर हाउस से है। मॉन्ट्रियल्स अंडरग्राउंड सिटी। टूरिस्ट के लिए एक बड़े आकर्षण का केंद्र मॉन्ट्रियल शहर रेजो के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खासियत है कि यह शहर ठंड के महीने के दौरान लोगों को गर्म और सुरक्षित रखता है। इसमें अनगिनत दुकानें और रेस्टोरेंट्स भी शामिल हैं, और सबवे, ट्रेन स्टेशन और होटल्स भी हैं। जैसे जैसे साल बीतते गए, मॉन्ट्रियल सिटी में अंडरग्राउंड यूनिट्स जुटती गईं। मॉन्ट्रियल शहर अब 32 किलोमीटर तक फैला है और 4 मिलियन स्क्वायर मीटर के एरिया को कवर करता है। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स से बात पता चलती है कि इसके कॉरिडोर्स 10 मेट्रो स्टेशन, 2 बस स्टेशन, 1200 ऑफिसेज, 2 डिपार्टमेंटल स्टोर्स, 1600 हाउसिंग रेस्टोरेंट्स, 40 बैंक, 40 मूवी थिएटर्स, 200 एंटरटेनमेंट वेन्यूज, 7 होटल्स और लगभग 2000 दुकानों को हाउस करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।